खाद पानी बेटों में, खाद पानी बेटों में पर लहराती है बेटी। पढ़ाई करते हैं बेटे, पढ़ाई करते हैं बेटे। आपने हर माँ बाप के मुंह से सुना होगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। बहुत कम माँ बाप के मुंह से सुनने को मिलता कि मेरी बेटी डॉक्टर या इंजीनियर बनेगी। लेकिन हकीकत क्या है, आज किसी भी क्षेत्र में नजर घुमा करके देख लीजिए कौन अव्वल आ रही है, बेटियां। कि पढ़ाई करते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां। एवरेस्ट तक थकेले जाते हैं बेटे, एवरेस्ट तक थकेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां। भगवान भी खुद कहता है, भगवान भी खुद कहता है कि जब मैं बहुत खुश होता हूँ तब पैदा होती है बेटियां। ऐसे नहीं आ जाती किसी के घर में, जिसको मिली है वही जानते हैं कि इसका होना और इसका ना होना क्या है। एक बेटे का माता पिता होना बहुत भाग्यशाली, लेकिन एक बेटी का माता पिता होना सो भाग्यशाली। जिस घर में बेटी आई है उस माँ बाप को पता है कि उसके आने के बाद क्या क्या पाया और क्या क्या उनको दिया। तो आइए दो लाइनें। बेटों से बढ़कर है बेटी तुम्हारी, बेटों से बढ़कर है बेटी तुम्हारी, अनन्य शाम प्रेमी नित्य प्रति मेरे ठाकुर के मंदिर में जाते भोग दीप आरती बाबा को भोग लगाता उसके बाद कुछ खाता, ऐसा मेरे ठाकुर का भक्त। उस ठाकुर के भक्त के घर में पांच बेटियां, कितनी पांच, और तीन बेटे, कितने तीन बेटे। किसी दूसरे शाम प्रेमी ने बोल दिया कि जा बड़ा श्याम भक्त बना फिरता है, क्या दिया तुझे बाबा ने इस महंगाई के जमाने में, एक बेटी का पालन पोषण तू नहीं कर सकता, तुझे पांच पांच दे दी, क्या दिया तेरे बाबा ने। उस भक्त ने मुस्कुराते हुए एक सरल सा जवाब दिया, कहने लगा कि जो मेरे तीन बेटे ना, तीन बेटे ये मेरे इसी घर में रह करके मेरे बाबा की जोत जलाएंगे, ये तीन बेटे इसी घर में रह करके मेरे ठाकुर की जोत जलाएंगे। लेकिन ये जो मेरी पांच बेटियां है ना, पांच बेटियां, ये पांच अलग अलग घरों में जाकर के मेरे ठाकुर की जोत जलाएंगी, ये दिया मेरे बाबा ने। बेटों से बढ़कर Yeah.
बेटा हुआ बेटा, और अगर उसी घर में पहले बेटी पैदा हो जाए बड़ा दुख का माहौल छा जाता है। पड़ोसियों के चार बार पूछने पर एक बार दबी आवाज में जवाब आता है कि बेटी पैदा हुई है, लेकिन हकीकत क्या है? एक बेटी चार लाइनें बेटियों के ऊपर कि चिड़िया होती है बेटी, चिड़िया होती है बेटियां पर पंख नहीं होते बेटियों के, चिड़िया होती है बेटियां पर पंख नहीं होते बेटियों के, मायके भी होते हैं ससुराल भी होते पर घर नहीं होते बेटियों। मायके वाले कहते हैं कि बेटियां तो पराई हैं, मायके वाले कहते हैं कि बेटियां तो पराई हैं, और ससुराल वाले कहते हैं कि पराई घर से आई है। ए बाबा अब तू ही बता कि ये बेटियां किस घर के लिए बनाई है, ये बेटियां किस घर के लिए? दूसरे की धरोहर है, तभी मैंने बोला कि बेटी का होना उसके माता पिता जान सकते हैं कि बेटी का होना क्या है और एक बेटी का ना होना क्या है। एक बार इस बेटी के लिए तालियां बजा दी जिसका आज जन्मदिन है, मनाएंगे हैप्पी बर्थडे टू यू भी बोलेंगे। बेटों से बढ़कर है बेटी ये तुम्हारी, बेटों से बढ़कर है बेटी ये तुम्हारी। जब वो बेटी अपने मायके में होती है तब अपने माँ बाप की खूब सेवा करती है, और अगर ससुराल में भी चली जाए तो भी अपने माँ बाप की चिंता उसे सताती है। लेकिन जब बेटी ससुराल चली जाती है भाई। और उससे कहीं कुछ गलती हो जाए तो ससुराल पक्ष से एक ही बात सुनने को मिलती है, क्या तेरे माँ बाप ने कुछ नहीं सीखा? कहते कि नहीं, कहते कि नहीं, कहते कि नहीं कि तेरे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। और अगर वही बेटी ससुराल में जा करके सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है तो ससुराल पक्ष वाले एक ही बात बोलते हैं कि बड़ी बूढ़ी बड़ी संस्कारी बहू आई है, पूरे परिवार को बांध करके रखा हुआ है, इसीलिए कहते हैं क्या के लोग इकट्ठा हुए नहीं
कि कहने लगे कि भैया मेरा बेटा शादी के लायक हो गया, उसके लिए बहू चाहिए। अब वो बहू कहाँ से मिलेगी, सुनिएगा जरा। हो बेटियां न होती तो बहू कैसे लाओगे, सोचो जरा कैसे अपने वंश को चलाओगे, सोचो जरा कैसे अपने वंश को चलाओगे, सोचो जरा कैसे अपने वंश को चलाओगे। बेटियां न होगी तो प्रश्न का उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है, बेटी ये तुम्हारी बेटों से बढ़ कर है, बेटी ये तुम्हारी बेटों से बढ़ कर है, बेटी ये तुम्हारी। जो मैं गा रही हूँ और उसके साथ अपना तो मेरे साथ मिल करके अपना कौन अपना चला बैठ जाइए बेटों से बढ़कर है बेटों से बढ़कर है ईश्वर की धरोहर है, ईश्वर की धरोहर है बेटी तुम्हारी, बेटों से बढ़कर है बिन्नू घर की लाज है, अनमोल मोती है, पूरी लगन से अपने घर को सजोती है, पूरी लगन से अपने घर को सजोती है, ममता का निर्जर है बेटी तुम्हारी, बेटों से बढ़कर है बेटी तुम्हारी।